सरकारी कर्मचारी के दर्जा देने की मांग को लेकर कोरबा सहित प्रदेश के पंचायत सचिव कामकाज ठप कर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले 9 दिन बाद इनके द्वारा 2 महीने का समय पूरा हो जाएगा, लेकिन अब तक सरकार ने इनकी मांगों के बारे में कोई विचार करने में रुचि नहीं दिखाई है। इसलिए 8 मई को पंचायत सचिव संघ सभी जिला मुख्यालय में रैली करने के साथ अपने तेवर दिखाएंगे। पंचायत सचिवों ने मार्च महीने से अपने एकमात्र मांग को लेकर प्रदेश भर में कामकाज ठप करते हुए प्रदर्शन शुरू किया था। सचिवों की मांग है कि 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पूरी होने पर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जन घोषणा पत्र का हवाला देते हुए पंचायत सचिव बार बार सरकार को इस बारे में याद दिलाने में लगे हुए हैं। सचिवों का कहना है कि लंबा समय बीतने पर भी इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया, इसलिए प्रदर्शन करना उनकी मजबूरी है। कोरबा के तानसेन चौराहे पर 51 दिन से प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवों से अब तक सरकार के अधिकारियों ने मांगों के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। कोरबा जिला पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारी मनसोधन यादव ने बताया कि हड़ताल के कारण 29 विभागों के 200 प्रकार की योजनाओं से जुड़े काम प्रभावित हुए हैं। प्रदेश स्तर के जो आह्वान पे जो हड़ताल कर रहे हैं ये 51 दिन है, और हमारे नहीं जाने से शासन के जितने भी 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य मैदानी स्तर में पूर्णतः प्रभावित है, जिसके भुगतना आम जनताओं को हो रही है। धरना प्रदर्शन और अनशन के बाद अब तक कोई नतीजे नहीं आने से नाराज पंचायत सचिव संघ ने 8 मई को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में रैली करने के साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई है। हम लोगों की मांगे यदि पूरी नहीं होती है तो हम लोग सोमवार को 8 तारीख है उस दिन हम पूरे प्रांत में जिला स्तरीय पद यात्रा रैली निकाल कर मुख्यमंत्री के नाम से हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए प्रदेश के अनेक कर्मचारी और गैर कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। बीते दिनों कुछ संगठनों की मांग को पूरा करने का काम सरकार की ओर से किया गया है, लेकिन पंचायत सचिवों की एकमात्र मांग को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हो सका है, इसलिए सचिवों ने अपने प्रदर्शन को जारी रखा है। उन्हें लगता है कि देर सवेर इस बारे में सरकार को विचार करना ही पड़ेगा। एसीएन न्यूज के लिए इमानुएल तांडी की रिपोर्ट।